हेलो नमस्कार गाय कैसे हो आप सब वेलकम बैक टू तो माई चैनल आज की इस वीडियो में गए यहाँ पर बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन बनाने वाले हैं चलिए इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने चार बढ़ाई बुल ली है ऐसे हम यहाँ पर नोट लगाएंगे और नोट लगाने के बाद अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमें पीछे बड़े धागे को आगे लेकर आना है सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे टू की चेन बनाएंगे क्योंकि चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इसमें ताकि को एक बार आगे करना है फिर ऐसे करके दो बार बाहर निकालेंगे एक बार निकाला फिर दूसरी बार निकाला तो इस तरह हम यहाँ पे डबल क्रोशिया जो बना लेंगे तो ये फर्स्ट राउंड में हमें टोटल फिफ्टीन डबल क्रोशिया जो बना लेने हैं एक एक करके ऐसे हमें डबल क्रोशिया लास्ट तक कंप्लीट करेंगे तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे, फ्रें पे राउंड कंप्लीट हो चुका है अब इसको ऊपर स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसे लॉक कर देंगे तो फिर से हम यहाँ पर देखिए चेन बनाएंगे वन और टू और जितने देखिए फ्रेंड्स पहले फंदे थे उनके ऊपर एक एक फंदा बना देंगे टोटल यहाँ पर थर्टी फंदे हमारे हो जाएंगे देखिए एक फंदे पर हम यहाँ पर दो दो फंदे हैं जो बनाते जाएंगे या दूसरा फंदा भी वहीं पर बना लेंगे अब नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाले में बनाएंगे फिर एक पंदा यहाँ पे एक और बना लेंगे तो इस तरह आप सब गए होंगे कि एक पंधे पे दो दो पंधे बना लेने हैं तो इस तरह यहाँ पे हम थर्टी फबल डबल क्रोशिया जो बना लेंगे तो ये वाला राउंड फ्रेंड्स इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ से ऐसे लॉक करेंगे तो इसके साथ ही ये राउंड है जो कंप्लीट हो जाएगा जो थर्ड वाली चेन रहेगी वहीं से इसको लॉक करना होगा तो सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है अब यहाँ पे हम थर्ड राउंड के लिए थ्री की चेन बना ली हमने यहाँ पे हमें फ्रेंड्स वन डबल क्रोशिया और वन चेन बनानी होगी ये देखिए फिर से यहाँ पे वन डबल क्रोशिया वन चेन फिर वन डबल क्रोशिया फिर से वन चेन फिर वन डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले में नीचे हमें कोई पंदा छोड़ना नहीं है जितने हमारे फंदे हैं उनके ऊपर एक एक फंदा हम यहाँ पे बनाते जाएंगे तो इसी तरह फ्रेंड्स हम यहाँ पे थर्ड राउंड है जो कंप्लीट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है अब हमें येलो कलर को ऐड करना होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे येलो कलर को देखिए ऐड करेंगे एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे चेन पे देखिए एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे तो एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पे हम चेन बनाएंगे टोटल फिफ्टीन की चेन हम यहाँ पे बना लेंगे येलो कलर से हमें टोटल फिफ्टीन की चेन है जो बना लेनी है तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने फिफ्टीन की चेन बना ली है अब देखिए एक, एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया धागे को आगे कर लेंगे अब यहाँ पे बनाएंगे वन हाफ डबल क्रोशिया तीनों का एक करेंगे फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया तो देखिए दो हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिए फिर धागे को आगे करेंगे अब यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया तो बाक़ी के जितने हमारे चेन बचेगी उन पे हम डबल क्रोशिया है जो बना लेंगे तो एक बार निकाला और दूसरी बार निकाला दो डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं अब यहाँ पे बनाएंगे तीसरा डबल क्रोशिया तो नेक्स्ट वाले चेन के अंदर बनाएंगे फोर्थ डबल क्रोशिया फाइव और अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाली जो चेन है वहाँ पे हमें सिक्स नंबर का डबल क्रोशिया जो बना लेना है छ हो गए यहाँ पे सेवन तो सेवन डबल क्रोशिया एट अब यहाँ पे नाइन और टेन ये दस डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं अब देखिए ये नेक्स्ट वाली चेन है वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है तो अब यहाँ पे एक ऐसा है ये हमारी लड़ी है जो रेडी हो चुकी है अब दूसरी जो चेन है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम ऐसे ही हमें फिफ्टीन की चेन बना लेनी है फिफ्टीन की चेन बनाने के बाद वन सिंगल क्रोशिया टू हाफ डबल क्रोशिया और टेन डबल क्रोशिया इसी तरह फ्रेंड्स ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे और ऐसी पट्टियाँ हैं जो रेडी कर लेंगे आज का हर पोज बहुत ही अलग और डिफरेंट डिज़ाइन में आप सबके लेकर आई हूँ और इसको बनाना भी बहुत ही इजी है आई होप कि आप सबको ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा अगर डिज़ाइन अच्छा लगे ना फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करके जाएं वीडियो को और कमेंट करके जाएं कि आप सबको ये डिज़ाइन कैसा लगा है देखिए कि यहाँ पर हमने एक और हाफ डबल क्रोशिया एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया दूसरा हाफ डबल क्रोशिया तो बाकी के फंदे हम बना लेंगे डबल क्रोशिया तो देखिए फ्रेंड इसी तरह हमें यहाँ पे फंदे बनाते जाएंगे जो देखिएगा यहाँ पे हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है अब यहाँ पे फिर से हमें रेड कलर को ज्वाइन कर लेना है देखिए ऊपर की तरफ से यहाँ पे हमें ऐड कर लेंगे तो पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर हम यहाँ पे सिक्स की और चेन बना लेंगे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो यहाँ पे चेन बनाते हैं एक दो तीन चार पाँच देखिए यहाँ तक इसको हमें लॉक करना होगा आप पाँच से छः चे तक चेन भी बना सकते हैं कई बार हमारी ऊन है जो मोटी पतली होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेन को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं बिल्कुल साल पूछा है जो राउंड शेप में आना चाहिए तो इसके लिए आप चेन को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर ऊन थोड़ी पतली है तो हमारे यहाँ पर चेन है ज़्यादा बनेगी और अगर थोड़ी मोटी है तो जो चेन है हमारी कम बन सकती है तो इसी तरह देखिए ये वाले चेन जो बढ़ाते जाएंगे और देखिए इस तरह का पैटर्न है जो हमारा यहाँ पे बनता जाएगा तो चलिए इस क्राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए फिर यहाँ पर हमने चेन बना ली है जैसे कि आप सब देख रहे हैं तो अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना होगा इस चेन के अंदर तो पहले हम स्टार्ट में क्या करेंगे कि टू की चेन बना लेंगे टू की चेन बनाने के अब जहाँ पर देखिए इस चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे तो वन डबल क्रोशिया टू डबल क्रोशिया थ्री फोर डबल क्रोशिया फाइव और सिक्स डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं और जो देखिए सातवें वाला डबल क्रोशिया है जो हमने फंदे के ऊपर बना लिया है तो इस तरह छः छः फंदे हम चेन के अंदर बना लेंगे और जो सातवां फंदा रहेगा हमारा वो हम जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर बना लेंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड ये एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बना लिया है अब यहाँ पे हमारा सेकंड राउंड है सेकंड राउंड में हमें पहले टू किचर बनाएंगे तो अब यहाँ पे देखिए हमें कहीं कहीं फंदा इंक्रीज़ करना होगा तो पहले देखिए दो फंदे हमने सिंगल बना लिए हैं तीसरा भी सिंगल बनाया है चौथा भी और देखिए अब पाँचवाँ फंदा एक दो तीन चार पाँच पाँचवाँ जो फंदा है वहाँ पे हमने दो फंदे बना लिए हैं फिर से सेम ऐसे करेंगे चार फंदे एक एक करके बनाएंगे और जो हमारा पाँचवाँ फंदा रहेगा वहाँ पर हमें दो फंदे हैं जो बना लेने हैं तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है अब यहाँ पे हम थर्ड राउंड बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चेन बनाएंगे वन टू थ्री फोर फोर की चेन बनाने के बाद देखिए एक फंदा स्किप कर देंगे और वन डबल क्रोशिया और वन चेन बना लेंगे फिर एक फंदा छोड़ देंगे फिर वन डबल क्रोशिया वन चेन बना लेंगे तो देखिए जैसे ये थर्ड राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है तो अब देखिए फ्रेंड जैसे कि अगर आप सबको येलो कलर से डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है तो सेम ऐसा यहाँ पे बना लेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे बनाए थे सेम ऐसे ही फिफ्टीन की चेन बना के वन वन सिंगल क्रोशिया टू हाफ डबल क्रोशिया और टेन डबल क्रोशिया बना लेंगे पर लेकिन यहाँ पे देखिए थाल साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा और वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इसलिए मैं आप सबको यहाँ पे लास्ट राउंड है जो बना के दिखा रही हूँ तो इस तरह यहाँ पे देखिए पहले हमने थ्री डबल क्रोशिया बना लेने हैं अब यहाँ पे देखिए दो गिक दो बार आगे करेंगे और एक वन टी आर बना लेंगे फिर वन चेन बना लेंगे फिर एक वन टी आर बनाएंगे अब फिर से बना लेंगे थ्री डबल क्रोशिया वन डबल क्रोशिया टू डबल क्रोशिया थ्री डबल क्रोशिया तो देखिए एक यहाँ पे एक ऐसा डिजाइन बनेगा हमारा यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया वन टी आर चार फंदे उधर चार फंदे उधर तो एक सिंगल क्रोशिया देखिए हमने यहाँ पे बना ली इसको स्किप किया है एक और स्किप कर देंगे नेक्स्ट वाले तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया जो स्टार्ट कर देना है तो फिर से तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे और वन टी आर बनाएंगे धागे दो बार आगे कर लेंगे देखिए ऐसे टी आर बना लेंगे फिर वन चेन बनाएंगे फिर धागे दो बार घुमा लेंगे यार बना लेंगे फिर थ्री डबल क्रोशिया बना लेंगे तो इस तरह फ्रेंड्स ये लास्ट राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे अगर थालपु का तो शायद आपको इतना ही रखना है तो आप इतना ही डिजाइन कम्प्लीट कर सकते हैं अगर बड़ा बनाना है तो येलो कलर का पैटर्न है उसको कंटिन्यू करके बना सकते हैं तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे बहुत ही सुंदर हमारा थाल तैयार हो चुका है I hope guys you will like my video. Please subscribe and share my channel and comment me in my chat box if you like my video. Thank you everyone for watching my complete video.